हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। 6 मई से लेके 10 मई तक मार्केट कैसे रहेगा, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे आपने पूछा है वो स्टॉक भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। और मेरे तरफ से जो स्टॉक है वो मैं आने वाले वीडियो जो है उसमें कवर करूँगा, तो वीडियो भी आप देख लीजिए। और जैसे मैं कल में फ्यूचर ऑप्शन का एक एजुकेशनल वीडियो बनाया है, बहुत ही फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर बेसिक वीडियो बनाया है और बहुत ही अच्छा है, वो भी आप देख लीजिए। वो देख के आप फ्यूचर ऑप्शन सीखना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि आने वाला वीक है वो कैसे रहेगा। तो आने वाला वीक के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक में क्या हुआ था। तो लास्ट वीक में मैंने जैसे आपको लास्ट मेरा वीकली वीडियो में भी बताया था कि जो लास्ट वीक था बहुत छोटा था और एक मार्केट जो है कि एक नैरो रेंज में घूम सकता है। तो ऐसे हुआ, जो मार्केट जो था जैसे कि 11,795 हाई में और नीचे 11,653 ये रेंज में घूम रहा था। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ऑप्शन जो बाइंग करते हैं उनको ऑप्शन होल्ड नहीं करना चाहिए, इंट्राडे में आप वो ट्रेड कर सकते हो। तो वैसा ही कुछ मार्केट चला था, लेकिन हमको देख रहा है कि आने वाला जो वीक है ये तो पूरा वीक है, यहाँ पे आपको पूरे 5 दिन ट्रेडिंग के मिलने वाले हैं, वहाँ पे कैसा ट्रेडिंग होगा। अभी तक जैसा मार्केट हमने रीड किया है या देखा है तो उसके तरफ से मैं बताऊँ तो ऊपर 11,800 और नीचे जो अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 11,572, तो ये रेंज में मार्केट बहुत दिन से जो है कि मूवमेंट कर रहा है। और अभी जैसे कि इलेक्शन नज़दीक आते जा रहा है तो इंट्राडे में आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन मार्केट ये रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जैसे कि लास्ट वीक भी एक बहुत छोटा रेंज में मार्केट घूम रहा था, तो आने वाला समय में जो है कि ये रेंज आइदर साइड ब्रेकआउट कर सकता है। तो मार्केट का जो व्यू है मुझे एक साइडवेज ही लग रहा है। अभी तक क्या कोई भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ऐसे कन्फर्मेशन मार्केट ने दिया नहीं है। तो जो लेवल भी रहेंगे जो मैं आपको एवरी वीक बताता हूँ वही लेवल ये टाइम पे भी चलते आ रहे हैं। आपको अभी नेक्स्ट वीक में क्या करना है कि आइदर साइड जब ब्रेकआउट होगा तो वो तरफ आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। वैसे भी अगर ब्रेकआउट भी नहीं होता है, रेंज बाउंड भी रहेगा, तो जो मैं आपको चार्ट के ऊपर जो बताऊँगा जो लेवल्स हैं उसके ऊपर भी आप ट्रेड करोगे, अगर आप ट्रेडर हो तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमको ये नहीं सोचना है ट्रेडर है तो ब्रेकआउट कौन से दिन होगा, कभी होगा, जब भी होगा आपको वहाँ पे ट्रेड करना है। और जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बताया कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो जब भी इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने का अंदाज़ा है, और आपको जो है कि बड़ा पोजीशन नहीं लेना है कि आपको एक ट्रेडिंग करके खाली निकल जाना है वो ठीक रहेगा। जिनको भी पोजीशन लेना है बड़ा यानी कि डिलीवरी बेस वगैरह, तो शायद इलेक्शन होने के बाद मार्केट कहाँ से सेटल होता है, कहाँ पे मूव करता है, वहाँ पे आप ट्रेडिंग करो। आने वाला जो वीक में बहुत सारे रिजल्ट है उसके इम्पैक्ट आने वाले और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले। अभी जो रिसेंटली रिजल्ट लगे गए उनके जो कि इम्पैक्ट आने वाले नेक्स्ट वीक में HUL, चोलामंडलम और भी फेडरल बैंक, LIC हाउसिंग, जो NIT टेक, इनके रिजल्ट आने वाले, भारती, ICICI बैंक, ये सब बड़े बड़े जो कंपनीज है उनके रिजल्ट आने वाले, BSE, CET, एस्कॉर्ट, वेदांता, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एशियन पेंट, SCL टेक, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट सोर्स, SBI, ये बहुत सारे कंपनी जो है उनके रिजल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। तो उसके ऊपर भी एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवी आपको मिल सकता है, तो भी आप कैश कर सकते हो। मेरा आने वाला जो वीडियो जो है कि स्टॉक के ऊपर है उसमें मैं इसमें से कोई स्टॉक वहाँ पे मैं कवर करूँगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों, कि हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि ये नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसे रहेगा। उसके पहले जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो हमारे चैनल को आपको देखने मिलेंगे, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी के चार्ट से। तो हम लोग जैसे कि वीकली व्यू देख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बड़ा चार्ट देखेंगे, मंथली का चार्ट देखेंगे। तो मंथली का एक कैंडल है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल कैंडल बन गया है। तो यहाँ पे जैसा कि कुछ क्लू नहीं देता, पहले वाला जो महीना है उसके ये अंदर ही है, तो एक डिसीजिव लेवल जो रहेगा यहाँ पे कि अगर ये अदर साइड ब्रेक करता है मंथली पे 11,859 जो और नीचे जो है कि 11,553, तो ये लेवल अगर आइदर मार्केट जब ब्रेक करता है तो वो साइड में एक बड़ा मूव हो सकता है, ऐसा हमको ये जो है कि मंथली का चार्ट के ऊपर समझ रहा है। हम लोग वीकली का चार्ट देखते हैं तो वीकली में भी ऑलमोस्ट वही लेवल आ रहा है,
कि पहले वाला जो कैंडल है लास्ट वीक का, उसके अंदर ही ये वीक का कैंडल बना है, तो जो लास्ट वीक का हाई और लो है वो ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक मूवमेंट आना चाहिए। फिर हम लोग डेली का चार्ट के ऊपर आके देखते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक में भी बताया था कि ये वीक में जो मूवमेंट बहुत कम हो सकता है, तो वैसे ही ये वीक में मूवमेंट कम दिखाया। पूरा वीक का अगर आप लेवल देखो तो ये लगभग ये हाई बनाया था 11,800 के आसपास, और जो ये लो बनाया था 11,653, तो ए रेंज में मार्केट था। तो अगर अभी का नेक्स्ट वीक के लिए अगर एक रेजिस्टेंस रहेगा आपको, तो वो जो 11,800 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, अगर ये मार्केट ब्रेक करता है या फिर उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो 11,856 वाला जो अपना ऑल टाइम है वो भी ट्राई करेगा कि ब्रेक करे। लेकिन मार्केट अगर ये जो लास्ट वीक का लो था जो 11,650 थी, ये ब्रेक करता है तो एक बार ट्राई करेगा कि हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 11,573 के इधर आके, तो अगर ये ब्रेक करता है तो ज़्यादा पैनिक आ सकता है। ये सबसे अच्छा ये सपोर्ट है 11,573 का। अगर आपको मंडे भी इंट्राडे करना है तो क्या लेवल हो सकते हैं, हम लोग एक छोटा टाइम पीरियड में जाके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 11,678 का ये जो लेवल है, यानी कि ऑलमोस्ट 11,700 के आसपास मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया है। अगर 11,700 के नीचे जाता है तो अगर मंडे को आप शॉर्ट करना है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग के लिए जैसे कि ये लेवल होल्ड किया था और वो लेवल ब्रेक करके नीचे आया जो है कि 11,744, इसके ऊपर एक बार जाता है तो आपको इंट्राडे में एक मोमेंटम मिलेगा। ये सिर्फ मंडे के लिए मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए कि निफ्टी जैसा ही ये पूरा फ्लैट ही चल रहा है, लेकिन उसके पहले भी देखो बैंक निफ्टी ने एक क्लियर यहाँ पे जो है कि डबल टॉप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बना लिया है, और वो बनाने के बाद भी इसने ये मिडल के नीचे भी एक बार गया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी सपोर्ट जो है 29,437 है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 30,048। कल मार्केट उसके ऊपर जाने का एक बार ट्राई किया था लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। लेकिन इंट्राडे में कभी भी अगर मार्केट 30,048 के ऊपर जाके कुछ 15 मिनट अगर ये सस्टेन होता है, तो यहाँ से आपको जो है कि 30,289 तक आपका एक मूवमेंट मिल सकता है। अगर आपको मंडे को भी इसको शॉर्ट सेल करना है तो वो लेवल लगा 29,794 के नीचे अगर ये फिसलता है तो आप एक शॉर्ट बन सकता है। बाइंग के लिए ये लेवल है 30,048 वाला जो इम्पोर्टेंस लेवल है वही रहेगा अगर आपको मंडे को इसको बाइंग करना है। ओवरऑल इसमें अभी जो सेंटीमेंट बना है थोड़ा निफ्टी से थोड़ा पॉजिटिव बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है, तो ये ऊपर वाला लेवल ब्रेक कर सकता है ऐसा लग रहा है, लेकिन जब भी करेगा तभी आपको ट्रेड करना है। तो ये थोड़ा बैंक निफ्टी साइडवेज से थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, निफ्टी मुझे कंप्लीटली साइडवेज लग रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जिस स्टॉक में आपने पूछा है मुझे, तो मैं जब मेरा नेक्स्ट वाला जो वीडियो है जो मैं स्टॉक के ऊपर बनाऊंगा तभी मैं रिलायंस का भी आपको व्यू बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको वो स्टॉक के बारे में व्यू बताऊंगा जिस स्टॉक में मुझे आपने पूछा है। तो पहला जो स्टॉक है मिस्टर पराग करके, उन्होंने मुझे पूछा है बायोकॉन के बारे में, तो इसका हम लोग चार्ट बड़ा कर लेते हैं। देखिए कि बायोकॉन ने एक जो एक फॉर्मेशन बनाया था जो एक डिसेंडिंग चैनल था, मोस्टली डिसेंडिंग चैनल अपसाइड में ब्रेक होता है, इसका ये डाउन साइड में हुआ, लेकिन जिस साइड में ब्रेक होता है वहाँ साइड में ट्रेडिंग करना चाहिए, और इसने मोस्टली इसका टारगेट भी कर दिया है। अभी ये ब्रेक होने के बाद एक सपोर्ट एरिया जो है यहाँ पे आके खड़ा है। तो अभी आप एक प्रॉपरली देखो तो यहाँ पे जब गिरावट था बड़े बड़े कैंडल बनाए, अभी ये रेड कैंडल बना है लेकिन छोटा बना है, तो ये लेवल पे ये सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन ये लेवल पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है और जो ये लेवल है 5x2 का यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो अगर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आप 5x43 का टॉप लॉस लगा के इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाना देना चाहिए, अदरवाइज अगर 5x43 डायरेक्ट ही ब्रेक करता है तो और भी डाउन साइड जा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है हम लोग देखेंगे टाटा केमिकल। तो ये जो है कि सराव जी करके, उन्होंने मुझे टाटा केमिकल के बारे में पूछा है। टाटा केमिकल का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए कि मोस्टली यहाँ पे ये भी टाटा केमिकल भी है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल मार के ये एक सपोर्ट पे आके गया। इसने अच्छा अपना एक सपोर्ट था वो ब्रेक किया है रिसेंटली। अभी ये पड़ा है जो सपोर्ट है 555 और 550,
तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो आप 550 का टॉपलेस लगा के बाय कर सकते हो। तो फिलहाल एक अच्छे अच्छी तरह एक ब्रेकडाउन करके नीचे आया गया है, तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है हम लोग देखेंगे मेक मनी करके, तो ये जो पूछा है बरकत करके उन्होंने मुझे नाम थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन शायद बराबर नहीं ले रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। शायद यहाँ पे नाम मुझे बराबर दिख नहीं रहा है। बरकत करके उन्होंने मुझे मेक मनी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे मैं अगर एक स्टॉक देखता हूँ तो इसका हायर है, हायर लो मारते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस है 6883 का, तो ये ब्रेक होता है तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो। अगर करंटली बाई किया होगा तो उसका है कि 62 का एक उसको स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है मुझे पूछा है सूरज करके, एवर रेडी इंडस्ट्रीज का, तो इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिवली जा रहा है और मैंने बहुत पीछे जाके इसका एक सपोर्ट ढूंढने का ट्राई किया, तो ये मुझे बहुत लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि इसका नीचे वाला जो सपोर्ट है 89.95 का, ये जो है कि इसको अगर आप इसने लिया होगा तो 89.95 का टॉप लॉस लगेगा। नया बाइंग भी करना है तो यहाँ पे अगर ये सेटल होना चाहिए, दो ही कैंडल यहाँ पे रुक रहा है, तो यहाँ पे एक बेस बना के जब भी रिवर्स होता है तभी बाई कर सकते हैं। उसका भी जो टॉप लॉस रहेगा 89.95 का टॉप लॉस हो सकता है। नेक्स्ट जो है कि मुझे पूछा है राणा करके उन्होंने टाटा पावर के बारे में, टाटा पावर का भी चार्ट देख लेते हैं। तो जितने मोस्टली मुझे स्टॉक पूछे वो सभी भी अभी वो सपोर्ट पे आके रुक रहे हैं, तो टाटा पावर भी वैसा ही स्टॉक है, इसमें अभी भी बाइंग कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा सपोर्ट पे ऊपर एक लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है और इसका 64 का टॉपलेस लगा के इसमें आप बाई कर सकते हो। बहुत अच्छा सपोर्ट से ये रिवर्स हो रहा है। नेक्स्ट जो है कि मुझे एमसीएक्स के बारे में पूछा है अतुल करके उन्होंने, तो यहाँ पे देखिए कि एमसीएक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट भी किया है और एक रिदम के साथ चल रहा है। उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पूछा है, तो लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म के लिए अभी बाय करना वो भी ठीक है। यहाँ पे उसने जो ब्रेकआउट किया था, अगर लॉन्ग टर्म में आप हो तो 817 का टॉप लॉस मीडियम टर्म में आप लगा सकते हो 817 का। लॉन्ग टर्म में आपको जो टॉप लॉस लगाना है थोड़ा नीचे रहेगा, 774 का टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ये अभी ब्रेकआउट करके अच्छे मोमेंटम में है तो इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि मुझे पूछा है सिद्धार्थ करके उन्होंने, कैपरी ग्लोबल करके जो स्टॉक है CGCL उसके बारे में, तो इसका हम चार्ट देखते हैं। तो ये स्टॉक है जो पूरे कंप्लीट अप ट्रेंड में है, यहाँ से छोटा सा करेक्शन होने के बाद वो ट्राई कर रहे हैं ऊपर ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसका जो एक रेजिस्टेंस है 179 उसके ऊपर आप ब्रेक करता तो बाय कर सकते हो, या अगर आपको रिट्रेसमेंट में बाय करना है नीचे आने के बाद तो 152 के आसपास आके आया तो आप उसको बाय कर सकते हो 147 का टॉप लॉस लगा के। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे हम लोग जेट एयरवेज, तो जेट एयरवेज के बारे में मुझे कुशवंत करके उन्होंने पूछा है। तो देखिए कि जैसा कि कोई भी स्टॉक न्यूज़ में चलते रहता है तो वो टाइम में आपको अगर ऐसा लगता है टेम्पटेशन होता है उसमें ट्रेड करना चाहिए तो कुछ दिन के लिए अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी न्यूज़ आता है तो एक आपको टॉप लॉस भी बड़ा कैंडल से ऊपर वो ब्रेक करके नीचे जाता है। फिर भी आपको इसके लेवल चाहिए तो मैं बताता हूँ। तो अभी जो करंट लेवल में जो अभी ये सपोर्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दिया, तो यहाँ पे बाय करते हो आप तो 114 का टॉप लॉस आता है, तो ये देखे आप ले लो। और उसका रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है 180, तो 180 का अगर यहाँ पे भी रिवर्स होता है तो 180 तक ये जा सकता है विद प्रॉपर टॉप लॉस, इसको टाइप टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने मुझे येस बैंक के बारे में पूछा है, तो येस बैंक का चार्ट देखते हैं। तो जैसे कि येस बैंक का रिजल्ट आया था और एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था, मैंने ऑलरेडी भी इसको कवर किया है। ए लेवल पे भी आप अगर चाहिए तो एस बैंक बाय कर सकते हो, अगर आपका व्यू ज़्यादा डिलीवरी बेस लेने का भी है तो उसमें जो है कि एक नज़दीक का टॉप लॉस जो है 167 जो है 167 लगेगा। आपको एक लंबा का और टॉप लॉस लेके ज़्यादा डिलीवरी बेस होल्ड करना है तो 158 का भी टॉप लॉस लग सकता है। तो इसमें जो कि रिजल्ट खराब आया था तो अभी ये खराब आ गया, लेकिन आगे जाके इसमें कुछ फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट आ सकता है ऐसा अगर आप सोचते हो तो। एक जो मैंने बताया लंबा का जो टॉप लॉस है वो लगा के आपको उसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि मुझे पूछा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो
मनोहर करके उन्होंने, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का भी चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अभी जो लास्ट कैंडल आया, एक अच्छा एक रिवर्सल आया एक सपोर्ट एरिया के पास से, लेकिन इसका अगर आप बाइंग करो तो 642 का इसको टॉपलेस लगा के इसमें आप अभी फिलहाल बाइंग कर सकते हो। उसके बाद है, मुझे पूछा है राजू करके, उन्होंने रेन रेन कमोडिटीज़ उसके बारे में। तो ये जो रेन का चार्ट देखता हूँ मैं, यहाँ पे देखे हो कि इसने एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट करने के बाद एक यहाँ पे रिटेस्ट लिया है, तो इसमें आप बाय कर सकते हो। नज़दीक का 113 का टॉपलस इसमें आप लगा सकते हो। थोड़ा सा ये बॉटम आउट डबल बॉटम बना के इसने ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट भी किया है, तो शायद ये चल सकता आगे। उसके बाद मुझे पूछा है रामजी करके, उन्होंने डिश टीवी के बारे में, तो डिश टीवी का चार्ट देख लेते हैं। तो डिश टीवी का चार्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया पे है, लेकिन यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल अभी तक बना नहीं, कोई भी बुलिश कैंडल आया नहीं है। आने के बाद आप अगर बाय करते हो तो उसका टॉपलस होगा 3446 का टॉपलस लगा के आप उसको बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक मुझे पूछा है अमर करके, उन्होंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का, तो थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री का अच्छा एक अप ट्रेंड था, उसके बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पे सेल ऑफ आया है, लेकिन उसका एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 191, इसके आसपास फिर आता है तो आप बाय कर सकते हो। 1172 का टॉपलास लगा के इसमें आप रह सकते हो। तो दोस्तों यही तो कुछ स्टॉक है जो मुझे आपने पूछा है, और भी ज़्यादा स्टॉक मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, शायद वो कल शाम तक वो आ जाएगा, तो वो भी देखो। यहाँ पे मैंने जो भी लेवल बताए ये टेक्निकल एनालिसिस के मेरे नॉलेज के ऊपर आपको बताए, ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट ऐसे ही वर्क करना चाहिए। अगर इसमें इस स्टॉक में आपको अगर एंट्री करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हो। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। तो दोस्तों जिनको भी मेरे साथ आके टेक्निकल से सीखना है या हमारे आयना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंबई में, तो उसके मैं डिटेल यहाँ पे दे रहा हूँ, वो देख के मुझे कॉल करके आप हमारे साथ आके टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। और मोस्टली मेरा जो सैटरडे को एक फ्री ट्रेनिंग सेशन रहता है, तो आने वाला सैटरडे को भी हमारा एक फ्री ट्रेनिंग सेशन रहेगा बिटवीन 5 to 7। जिनको भी हमारा 2 घंटे का टेक्निकल एनालिसिस का फ्री सेशन अटेंड करना है, वो हमारे यहाँ पे आयना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थाने मुंबई में आके वो अटेंड कर सकते हो। उसके भी डिटेल मैं यहाँ पे देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।